चलिए इंग्लिश स्पोकिंग क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे तो विल हैव टू का इस्तेमाल, विल हैव टू का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, विल हैव टू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब सेंटेंस में रहेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, यानी जबरदस्ती जिस सेंटेंस में कोई बात बोला जाएगा उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, यू। अब उसमें विल हैव टू लगा दीजिए, यू विल हैव टू। आना का इंग्लिश लिख दीजिए, आना का इंग्लिश हो गया यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। इसमें देख लीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, इसी तरह मुझे जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? आई विल हैव टू। ये विल हैव टू सभी में आ रहा है, मुझे के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना। अब विल हैव टू जाना का इंग्लिश लास्ट में लिख देंगे, वो हो गया। मुझे सच बोलना पड़ेगा, मुझे सच बोलना पड़ेगा। तो सच बोलना का इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, है ना। तुम्हें नाचना पड़ेगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा, है ना। हमें सोचना पड़ेगा, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है, हमें सोचना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। छात्रों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये सब सेंटेंस है, आप लोग बना सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा तो मिला लीजिएगा। तुम्हें चाय पीना पड़ेगा, तुम्हें चाय, ये सब आगे बैठ सकते हैं, पीना पड़ेगा, आगे बैठ सकते हैं। तुम्हें चाय पीना पड़ेगा, हाँ वो सबका चाहिए। बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें सभी में विल हैव टू हम लोगों को लगा देना है, और उसके बाद विल हैव टू के बाद क्या करना है, जो वर्ब है उसको लगा देना है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर बोलिए। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, क्या होगा? आई विल हैव टू गो। मुझे सच बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें नाचना पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस। यू विल हैव टू डांस। हमें सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू, हमें के लिए वी लिखेंगे, वी विल हैव टू थिंक। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बना करके दिखाइए, फिर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो मिला लीजिएगा एक ही साथ सब लोग। चलिए ठीक है, तो अब मैं बना रहा हूँ और आप लोग मिलाइए। जैसे मुझे जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो। मुझे सच बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें नाचना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे? यू। और विल हैव टू तो सभी में लगाना है, यू विल हैव टू। नाचना का इंग्लिश लिख दीजिए, डांस। हमें सच बोलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, वी विल हैव टू थिंक।
थिंक भी सोचता है सोचना बस हैव टू लगा के सब में भी वन लगा देना आपको पढ़ना पड़ेगा क्या हो जाएगा यू आपको का यू लिखेंगे यू विल हैव टू रीड छात्रों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी द स्टूडेंट्स The students will have to pass the exam. तुम्हें चाय पीना पड़ेगा You will have to take tea. बच्चों को पढ़ना पड़ेगा The children will have to हमें कोशिश करनी पड़ेगी we will have to समझ गया इतना आसानी से सभी में हमें will have to लगाना है और उसके बाद भी वन लगा देना है तो ये will have to वाला था इसका आपसे पूछेंगे हम मिला लीजिए आप लोग बनाइए बताइए बोल के बताइए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ठीक है तो सेंटेंस बोलिए मुझे दवा खाना पड़ेगा आई विल हैव टू टेक मेडिसिन तुम क्यों नहीं बोलती तुमको नहीं याद है दवा खाना के लिए टेक मेडिसिन आई विल हैव टू टेक मेडिसिन मुझे एक कहानी पढ़नी पड़ेगी आई विल हैव टू लर्न आई विल हैव टू रीड अ स्टोरी तुम्हें सेब खाना पड़ेगा यू विल हैव टू ईट एन एप्पल हाँ यू विल हैव टू ईट एन एप्पल बहुत अच्छा इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं चलिए ठीक है अब होमवर्क लिख लीजिए